आज होपफुली आपने लास्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर वन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो आपने देखा होगा, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट और एमसीक्यू की और न्यूमेरिकल्स की असाइनमेंट दी हुई थी, तो वो भी आपने देखी होगी और वो सॉल्व किए होंगे न्यूमेरिकल्स, होपफुली हो गए होंगे आपके। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर टू, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो इस वीडियो में हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड कंसेप्ट क्या है उसका और उसके न्यूमेरिकल्स वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स between two charges in air to the force between two charges in a particular medium। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ में हमने किया था कि फोर्स, दो चार्जेस हैं वो एयर में पड़े हुए हैं, तो उनमें फोर्स जो है वो कितनी लगती है, क्या रिलेशन है उसका, तो वो हमने किया था। डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या होता है, ये रेशियो है किसकी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम, इसकी रेशियो है। तो एज वी नो दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था, फोर्स दो चार्जेस पड़े हुए हैं उनमें जो फोर्स लग रही है, तो फोर्स वो कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, दीज आर टू चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ओके, एंड इन मीडियम व्हेन सेम टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम then but will be the formula to calculate the force which is 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 upon r square। तो ये formula है। तो इसमें difference क्या है, इन दोनों में difference क्या है, difference क्या है, यहां पे मैंने epsilon not लगाया but यहां पे मैंने epsilon not नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि जैसे हमने लास्ट में किया था, लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था, वो क्या था, ये क्या है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट जो है वो है हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। तो ये मैं जो फोर्स निकाल रहा हूं जब मेरे पास वो चार्जेस मीडियम में पड़े हुए हैं, तो तब मैं फोर्स निकाल रहा हूं, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिया। ओके, तो आगे चलते हैं, तो इसमें हम इसे पुट कर देते हैं, तो मेरे पास के क्या आया, मेरे पास आया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 upon R square। ये मैंने क्या किया, ये FA और FM की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आया मेरे पास 1 upon 4 pi epsilon not Q1 Q2 upon R square into 4 pi epsilon R square divided by Q1 Q2। तो ये कैंसिल हो गया, फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो गया, क्यू वन क्यू टू से क्यू वन क्यू टू कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया मेरे पास, तो मेरे पास आया एप्साइलन बाय एप्साइलन नॉट, तो मेरे पास आ गया एप्साइलन बाय एप्साइलन। और मैं क्या किया, हमने डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट लेके चले थे हम, के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया विच इज इक्वल्स टू एप्साइलन आर, विच इज इक्वल्स टू एप्साइलन आर, ये क्या है एप्साइलन आर, ये एप्साइलन आर क्या है, दिस इज, दिस एप्साइलन आर इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी
बीटी ऑफ मीडियम। तो ये मेरे पास कहां तक पहुंच गया, मैं डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट से लेके चला और कहां तक पहुंचा, एप्सिलॉन आर तक, मींस रिलेटिव परमिटिविटी तक। सो मैं कह सकता हूं डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एफ ए बाई एफ एम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, विच इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया जिसके थ्रू मैं कुछ भी न्यूमेरिकल में इसको यूज कर सकता हूं। तो ये आप नोट कर लो, आगे फिर चल जाइए। तो यहां पे हमें क्या पता चला, हमें पता चला डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ये होता है और इसका रिलेशन एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो ये हमने किया डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट में। तो आगे चलते हैं, तो यहां से हमें और क्या पता चला, तो यहां से हमें और क्या पता चला, एफ ए इक्वल टू एफ एम, इधर जाके क्या हो जाएगा, के इंटू एफ एम। मीन्स जब दो चार्जर्स एयर में प्लेस्ड होते हैं उनमें जो फोर्स लगती है वो सेम चार्जेस जब मीडियम में प्लेस कर दिए जाते हैं सेम डिस्टेंस पे, तो उनमें जो फोर्स लगती है वो एयर से कम लगती है और उस मीडियम का जितना डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करके हम एयर में उसकी फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है और नोट भी कर सकते हो। आगे हम अभी चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ, तो अभी हमारे पास न्यूमेरिकल जो है वो क्या है, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 5 कूलम एंड 7 कूलम विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन मीडियम ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 5। अभी हमारे पास दो चार्ज दिए हुए हैं, वो चार्ज है 5 कूलम और 7 कूलम के, और इतना डिस्टेंस उसमें है 2 मीटर डिस्टेंस है। तो उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी उस पर्टिकुलर मीडियम में, जिस मीडियम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का एज वी नो दैट फोर्स इक्वल्स टू, तो कितनी फोर्स होगी, तो कितनी फोर्स होगी, 1/4 pi एप्साइलन नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि एप्साइलन नॉट कब लगता था, एप्साइलन नॉट तब लगता था जब हमारे पास जो चार्जेस होते थे वो एयर में होते थे, एयर में प्लेस होते थे। ओके, अभी हमारे पास वो मीडियम में है, तो इसलिए हमें मुझे क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो देयरफॉर 1/4 pi एप्साइलन Q1 Q2 upon R square। अभी बात ये आ गई कि मेरे पास 1/4 pi एप्साइलन नॉट की वैल्यू तो मुझे पता है, ऐसे सिस्टम में 9 × 10⁻⁹ होती है, लेकिन अभी तो मेरे पास क्या आ गया, 1/4 pi एप्साइलन आ गया, तो एप्साइलन की तो वैल्यू नहीं पता मुझे, तो अभी कैसे सॉल्व किया जाए इसे। तो अभी यहां पे हमें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो अभी हमने डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या किया था, हमने किया था एप्साइलन डिवाइड बाय एप्साइलन नॉट इक्वल्स टू डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमने अभी ड्राइव करके चुके हैं। ओके, तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है। सो क्या हुआ मेरे पास, एप्साइलन डिवाइड बाय एप्साइलन नॉट इक्वल्स टू के विच इज 5। यहां से मेरे पास एप्साइलन क्या आ गया, 5 × εr। तो मेरे पास एप्साइलन की वैल्यू क्या आ गई, 5 × εr। तो ये वाली जो वैल्यू है तो वो मैं यहां पे एप्साइलन की जगह पे रख सकता हूं, क्योंकि एप्साइलन 5 εr है, तो एप्साइलन की जगह पे मैं 5 × εr भी पुट कर सकता हूं। तो क्या 1/4 pi यहां पे क्या आ गया मेरे पास, 5 × εr Q1 Q2 upon R square, ये आ गया मेरे पास।
तो इसमें क्या है, क्या है 1/5 × 1/ ये 5 मैंने आगे निकाल लिया 1/4πε0 Q1 Q2 r2। अगर आप ध्यान दो तो ये जो रिलेशन है मेरा, ये वही रिलेशन आ गया जब वो चार्जेस एयर में पड़े हुए होते हैं। ओके, तो बस फिर यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 1/4π। इसकी वैल्यू कितनी होती है एसआई में, हमने किया था 1/4πε0, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू चार्जेस क्या है 5 कूलम और 7 कूलम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, 2 मीटर का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, सो 4। इसे सॉल्व करते हैं, ये 5 से ये 5 कट गया तो क्या आया मेरे पास 9 × 7 = 63 / 4 × 10⁻⁹। तो इतनी फोर्स आ गई मेरे पास। ओके, अभी ये क्या आएगा, ये नियर अबाउट आ गया 15.1 नियर अबाउट × 10⁻⁹ न्यूटन। तो इतनी फोर्स आ गई। तो मीडियम में जब हम उन चार्जेस को रखेंगे तो कितनी फोर्स लगेगी, 15.1 × 10⁻⁹ न्यूटन, इतनी फोर्स उस पे लगेगी। तो ये हमारी अभी मीडियम में फोर्स। ओके, ये आप अभी नोट कर सकते हो न्यूटन। अभी आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट टू एंड फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय अ सेम डिस्टेंस इन एयर इज एनी। तो अभी क्या करना है आपको, जैसे न्यूमेरिकल में बोला गया है तो आपको फोर्स ही निकालनी है। दो चार्जेस है मेरे पास, उनकी मैग्नीट्यूड डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है, उसने बोला फोर्स ही निकालनी है। दो चार्जेस हैं, अननोन चार्जेस हैं, मैं नहीं जानता कुछ डिस्टेंस कितने पे, मैं नहीं जानता। हाँ, उसने ये बोला जब वो दोनों चार्जेस को हमने मीडियम में रखा, किसी मीडियम में रखा, उस मीडियम का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है, उस मीडियम में रखा और जब उन्हीं चार्जेस को उतनी सेपरेशन में किस एयर में रखा गया तो उनमें फोर्स जो है वो गिवन है, इतनी लग रही है। तो आपको फोर्स बतानी है जब वो मीडियम में रखे गए थे तो कितनी लगेगी। अभी आप खुद पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं। ओके, तो देखो करता हूं स्टार्ट में। ओके, तो अभी फोर्स निकालनी है, तो यहां पे कंसेप्ट कौन सा लगेगा, वही डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का लगेगा। तो क्या है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है वो रेशियो है किसकी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। ये तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर की वैल्यू गिवन है और मीडियम की में निकल जाएगा। तो कैसे होगा, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू एयर में कितनी फोर्स लग रही है 20 / फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल्स टू 20/2 दैट इज 10 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया कितनी फोर्स लगेगी 10 न्यूटन। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला, तो क्या कंक्लूड किया हमने, क्या रिजल्ट निकला, तो इससे एक रिजल्ट ये भी निकला कि अगर हमें फोर्स दी हुई हो, जैसे यहां पे मुझे दी हुई थी एयर में फोर्स कितनी लग रही है, मीडियम में आपको निकालनी है, और अगर आपको ऐसे दिया होता कि फोर्स मीडियम में दी हुई है और एयर में निकालनी है तो कैसे कर सकते हो आप, तो वहां पे कैसे करोगे आप, तो वहां पे डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसे आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप वो मल्टीप्लाई करोगे मीडियम में जो फोर्स लग रही है, तो एयर में फोर्स आपके पास वो आ जाएगी। और दूसरे कंक्लूजन क्या निकला, दूसरा कंक्लूजन क्या आया, तो दूसरा कंक्लूजन ये आया कि
दो चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी? मैक्सिमम फोर्स तब लगेगी दो चार्जेस के बीच में जब वो एयर में या वैक्यूम में होंगे। किसी भी मीडियम में रखोगे आप जब उन्हें, तो उनमें फोर्स कम होती जाएगी। वो फोर्स जो वेरिएशन आ रही है मीडियम में रखने पे, वो डिपेंड किस पे करेगी? वो आपकी डिपेंड करेगी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पे। तो ऐसे भी आ सकता है, और इसमें बड़ी तरह के इसमें न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इसमें ऐसे भी आ सकता है कि आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू बता दे वो, और वो बोल दे आपको फोर्स निकालनी है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसमें आपको वो फार्मूला आपके पास है 1/4πε0 एप्साइलन Q1 Q2 r², तो एप्साइलन की वैल्यू आपको पुट करके वो कैलकुलेशन जो है वो कर लेनी होगी। आज का लेक्चर यहीं तक, तो वो आस करता हूं कि आप यहां तक अच्छी तरह से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरह से न्यूमेरिकल वगैरह आप कर लोगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक है उसके थ्रू आप मेरी वेबसाइट तक पहुंच सकते हो, और उस वेबसाइट में एक ग्रुप ज्वाइन करने की ऑप्शन है, व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा बना हुआ, तो वहां पे जाके आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे मैं अभी मैं कर रहा हूं कि ऑनलाइन क्लासेस भी लूंगा मैं, तो उस ग्रुप में मैं आपको मैसेज डाल दूंगा जब भी मैंने ऑनलाइन क्लास देनी होगी। हाँ, दूसरा ये आप मुझे जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। हाँ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ये सीरीज चलेगी, कंप्लीट सीरीज चलेगी, अभी दो लेक्चर इसमें आ चुके हैं। पहले लेक्चर का अगर आपने देख लिया वीडियो कंप्लीट देखो, अगर देख ली है तो ठीक है, अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक से आपको वीडियो भी अच्छी तरह से देख सकते हो, और आगे इसकी सीरीज है जो चलती रहेगी, तो आशा करता हूं आप वो देखोगे और इसका फायदा उठाओगे। थैंक यू।